औरैया पुलिस अधीक्षक की एसओजी टीम ने राशन डीलर के घर पर हुई 25 लाख के जेवरों की चोरी का खुलासा किया है, जहां चोर कोई और नहीं बल्कि राशन कोटे डीलर का नौकर ही निकला। एसपी ने खुलासा किया कि जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन राशन डीलर अंजनी कुमार अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को लेने गया था, जिसके साथ उसका नौकर गोविंद दीक्षित भी गया था, लेकिन रास्ते में गोविंद दीक्षित ने अपने भतीजे को लेने की बात कहकर उतर गया और वापस आकर रात का इंतजार किया और सुनसान घर का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को शक हुआ, जिसके दौरान शक्ति की गई तो घटना का खुलासा भी कर दिया। औरैया जिले के विदुना थाना क्षेत्र के कुदरकोट गांव का मामला सामने आया है। बीते दिन राशन कोटेदार के घर चोरी हुई थी, जब पूरा परिवार अपने बेटी को लेने कन्नौज जिले के छिबरा मऊ गया हुआ था, तब घर में रखे 25 लाख में जेवर चोरी हो गए थे, जिसके बाद घर वापस आए राशन कोटेदार ने पुलिस में शिकायत की और तब पुलिस ने मुकदमा लिख जांच शुरू कर दी। राशन कोटा डीलर का नौकर ही निकला चोर, जहां राशन डीलर ने रहने के लिए मकान दिया, नौकरी भी दी, वहीं वफादार नौकर निकला चोर। विधुना में राशन कोटा डीलर के घर में हुई चोरी की घटना को लेकर खुलासा किया गया, जहां राशन कोटेदार का नौकर बन गया शातिर चोर और घर की चोरी को अंजाम दिया। आपको बता दें, जहां करीब 25 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर, चांदी के आभूषणों सहित 100% माल भी बरामदगी करते हुए गिरफ्तारी की गई है। ये थाना विदुना क्षेत्रांतर्गत 19/6/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि राशन डीलर अंजनी कुमार दीक्षित, जो ग्राम कुदरकोट के रहने वाले हैं, चौकी क्षेत्र कुदरकोट में, इनके द्वारा सूचना दी गई कि 18-19 की रात्रि ये लोग घर पे नहीं थे, तो इनके घर का किसी ने छत से चढ़ के और ताला खोलकर और लगभग 25 लाख के हीरे, ये सोना और चांदी के जेवरात जो हैं चुरा लिए। तो इस पर जो है हमने लगातार पूछताछ की जा रही थी, तो घटना क्योंकि ताला खोलकर थी तो काफ़ी संदिग्ध इसमें लोगों से पूछताछ की गई। तो कुछ लोग जो इनके साथ काम करते थे पहले से, उनसे भी पूछताछ की गई, तो निकल के आया कि अभियुक्त गोविंद दीक्षित, जो इनके लिए कोटेदारी में इनका कुछ सहयोग करते थे और इनके पुराना एक मकान है कुदरकोट में ही, उसी में ये रह रहा था ये व्यक्ति गोविंद दीक्षित। इसके द्वारा जिस दिन 18-19 के दिन राशन डीलर अंजनी कुमार अपने बेटे के साथ छिबरा मऊ गए थे अपनी इनकी पुत्री को लाने वहाँ से, तो ये साथ में गया गोविंद दीक्षित और वहाँ पे बहाना किया कि मैं अपने भतीजे को लेके जा रहा हूँ, ताकि पूरी भूमिका ये बने कि ये भी इनके साथ छिबरा मऊ में थे। पर जो बाकी फिर तफ्तीश की गई तो इसमें पता चला कि ये लगभग 8 बजे औरैया वापस आए और इन्होंने रात को 2 बजे इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद सुबह 4 बजे तक वापस छिबरा मऊ चले गए। लेकिन पूरी घटना जिस प्रकार हुई, इसमें एसओजी की टीम को लगाया गया और टीम ने काफ़ी अच्छे से काम करके पूरा मूवमेंट ट्रेस किया। फिर इनसे पूछताछ की गई इस पूरी तफ्तीश के बाद, तो इन्होंने ये जब ये बताया कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर और हमने और तफ्तीश करी, तो मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि जब इनसे पूछा जा रहा है तो अब ये गुड्डू दीक्षित के घर के पास जो है अपना सामान जो भी चोरी का था उसको लेकर जा रहे हैं और ये बेचने वाले हैं। तो उस पे जो टीम हमारी थी, इन्होंने इसको पकड़ा और पूरा का पूरा माल जो है वो इनके साथ से बरामद हुआ।